करते समय की घोषणा के उपरांत हमारे कुछ साथियों ने 1 अप्रैल 2022 से कार्मिकों से की जाने वाली कटौती के बारे में संशय होना स्वाभाविक है। इस भ्रांति को समाप्त करने की दृष्टि से अब मैं 1 जनवरी 2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों से की जाने वाली 10% की मासिक कटौती को 1 अप्रैल 2022 को दे वेतन मतलब 1 अप्रैल आने वाली को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही कार्मिकों से पूर्ण की जा चुकी कटौती को उनमें से पेंशनर मेडिकल फंड RGHS फंड की राशि समायोजित करते हुए कर शेष राशि उनके रिटायरमेंट के समय GPA पर दे इंटरेस्ट रेट के साथ एक मुश्त बढ़ा देना प्रस्तावित करता हूँ। एक अप्रैल 22 से NPS के अंतर्गत होने वाली कार्मिकों की प्रतिमाह 10% कटौती बंद होने से अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा मतलब 1 तारीख से ही मिलने लग जाएगा 1 तारीख से कट। और इसमें पता नहीं आप देखेंगे इसका जो फायदा है वो क्या मिलेगा कोई कल्पना नहीं कर सकता उनको 25,000 से लगाए कि 60,000 तक। और मोदी जी ने जिस दिन कर दिया ऑनलाइन सर्विसेज के लिए तो उनको अलग मिलेगा, अभी तक उन्होंने किया नहीं है। ये उनको पता नहीं है कि 2004 वाले जो कर्मचारी अधिकारी हैं ऑनलाइन सर्विस वाले ये 30 साल बाद में रिटायर होंगे ना तो कैबिनेट सेक्रेटरी भी होंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी भी होंगे और उस वक्त भी स्थिति बनेगी जो आज हमने किया है वो काम या फिर अपने हाथ से करेंगे बैकडेट के अंदर। अच्छा है मोदी जी को टाइम रहते हुए हमारे फैसले को मानते हुए डिक्लेयर करना चाहिए पूरे देश के अंदर।